विश्व हिंदू परिषद के दो दिवसीय प्रांतीय योजना बैठक में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे हुए विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर जिले सहित आसपास के 10 जिलों में अपने संगठन का विस्तार करेगा और हर जिले में 8,000 नए परिवार से संपर्क कर 80,000 लोगों को विश्व हिंदू परिषद से जोड़ने का काम करेगा। विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निहरी और गरीब मरीजों के लिए 2 नवंबर को सरकारी अस्पतालों में रक्तदान करेंगे तथा 14 अगस्त से भारत की अखंडता की याद दिलाने के लिए 20 स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर देश की अखंडता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद 10 जिलों में कार्यकर्ताओं के भौगोलिक दायरे का विस्तार करेगा तथा 2,000 गाँव तक विश्व हिंदू परिषद के विचारों और उनके सिद्धांतों से अवगत कराएगा। उन्होंने कहा कि सिखों के धर्म गुरु गुरु नानक देव के 550वां प्रकाश पर्व तथा शरद पूर्णिमा पर भगवान वाल्मीकि की जयंती को विहिप धूमधाम से मनाई गई। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा, गोरखपुर के चारों ओर के सरकार के 10 जिलों के कार्यकर्ता यहां आए थे, 150 कार्यकर्ता आए थे और ये हमारा नियम है, हम जुलाई में और जनवरी में कार्यकर्ता 2 दिन इकट्ठे बैठते हैं और अपने 6 महीने का प्लानिंग करते हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं ने अपना संकल्प व्यक्त किया है कि हर जिले में 8,000 नए परिवारों को संपर्क करेंगे और उन्हें विश्व हिंदू परिषद के बारे में जानकारी देंगे। अर्थात सरकार के गोरखपुर और उसके आसपास के 10 जिलों में 80,000 लोगों तक विश्व हिंदू परिषद की जानकारी पहुंचाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के साथ जो नौजवान जुड़े हैं, नवयुवक जिनकी आयु 40 साल और उससे कम है, 1,000 नवयुवक 2 नवंबर को सरकार के अस्पतालों में अपना रक्त देंगे उन रोगियों के लिए जिनको वो नहीं जानते, निर्धन रोगी, ताकि उन्हें रक्त खरीदना ना पड़े। ये कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा, अपना विचार दिया है। सारा देश जानता है, दुनिया भी जानती है कि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का भूगोल, हिंदुस्तान की आबादी बहुत विशाल थी। 14 अगस्त 1947 देश में पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का कोई मानचित्र नहीं था दुनिया में। हम 14 अगस्त 1947 के भारत के मानचित्र को नवयुवकों की पीढ़ी को याद दिलाए रखना चाहते हैं। हमारा मान्यता है कि विभाजन यह अंतिम सत्य नहीं है, ये कृत्रिम है। जब तक विभाजन बना रहेगा तब तक भारत पर भी संकट के बादल तो रहेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश भी सुखी नहीं रह सकता। दोनों का सुख इसी बात में निहित है कि विभाजन समाप्त हो, और विभाजन समाप्त होने की पहली शर्त है हिंदुस्तान का चहुमुखी विकास हो, प्रगति हो। और इन सब के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ी अपने अतीत को याद रखे। इसलिए 14 अगस्त और उसके पहले 3-4 दिन से हम नवयुवकों को भारत की अखंडता की याद दिलाएंगे और कम से कम 20 स्थानों पर युवक इस कार्यक्रम को करेंगे। हमने ये भी विचार किया है कि आज जहाँ तक हम हैं,
गोरखपुर और आसपास के 10 जिलों में अपने कार्यकर्ताओं का, अपने काम का भौगोलिक व्याप बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हर जिले में कम से कम 200 स्थानों तक अपना संपर्क करें, अर्थात इस 10-11 जिलों के क्षेत्र में ही दो हजार गांवों तक विश्व हिंदू परिषद को जानने वाले लोग हों, विश्व हिंदू परिषद को अपना बना बताने वाले लोग हों, ऐसे संकल्प, इस पर यहाँ चर्चा 2 दिन तक चली है। ये वर्ष गुरु नानक देव जी महाराज की 550वां प्रकाश पर्व है। विश्व हिंदू परिषद प्रत्येक जिले में गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व और गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन का आध्यात्मिक पहलू उनके दैवीय गुणों से समाज को अवगत कराएगा। शरद पूर्णिमा भगवान वाल्मीकि के लिए समर्पित है। इन दोनों श्रेष्ठ दैवीय गुण संपन्न जीवन पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज को अपने द्वारा बताएंगे। ऐसे मैंने 2 दिन के कार्यक्रमों का वर्णन आपके सामने रखा है।